Goa is perfect. Having a great number of amazing beaches to spend amazing time with friends. ये जगह आपकी vacations की सबसे बेहतरीन जगहों में से एक होने वाली है. Because Goa is a real life paradise. Not so expensive, but in your budget list. So जैसा आपको पता है कि मैं अपनी journey start कर चुका हूँ from my hometown and एक दिन पूरा train में travel करने के बाद मैं finally जाके पहुँचता हूँ Goa. ओ भाई, एक फोटो तो बनता है. Welcome to Goa, guys. स्टेशन पहुंचने के बाद मैं जाता हूं लोकल बस में और वहां से सीधा अपने दोस्त के यहां. भाई आया भाई. So hey guys, welcome back again to show Eric और आ चुके हैं फिर से अपन वापस एक और बार. So आज का है फर्स्ट डे भाई. आज जाने वाले हैं अपन कहां? North Goa baby. So आज नॉर्थ गोवा के बीचेस छान मारने वाले हैं. तो भाई नॉर्थ गोवा के बीचेस छान मारने और ये अपनी धन्नो और इस पे चलेंगे. बैठ के नहीं, उड़के चलेंगे. तो भाई यहाँ सारे के सारे रेडी हो चुके हैं. अब फाइनली अपन जा रहे हैं भाई कहाँ. बड़ा ही प्यारा माहौल है यार. हरियाली इतनी है कि भाई मजा आ जाता है इसमें. नेचर को पूरी तरह से फील कर सकते हो तुम गोवा में. ये ड्राइवर साहब चले. ओ डट जा, ओ बैठा तो ले खसम. जा जा देख बगल में बैठा हूँ. जाके जाको मूड बो रहा हूँ. जाको जे उल्टा सीधा काम करो जी. सुन आराम आराम तो चला लियो गाड़ी है. अरे डार्लिंग उड़ा देंगे आज तो. कहाँ भाई देख अभी अभी बाहर निकले भाई. और अभी 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 बारिश होने लगी. तुरंत की तुरंत बारिश होने लग रही है भाई. सो यहाँ होता भाई सफर चालू. जब याद करे परवा मेरी मुझे ना परवा. तो भैया तेल के तीन डंडा आ गए हमारे. हमको दिख रहे थे एक डंडा क्योंकि पेट्रोल डलवाई थी 500 की. भैया भर गए तो अभी आ चुके तीन डंडा. तो खुशी का माहौल देख रहे हो गाड़ी में कितना है. गोवा वाली रोड पे, गोवा वाले बीच पे. भाई तो हमने लग्जरी कार रेंट पे की है भाई और हम घर से निकल चुके हैं बीच के लिए. तो भाई बारिश का मौसम है. अभी सबसे पहले आ चुके हैं भाई गोवा की मार्केट में. थोड़ा सा ये मार्केट है भाई, यहाँ घूम लेते हैं अपन. चलो भाई यहाँ का लोकल बाजार थोड़ा सा घूम लेते हैं. क्या माहौल है इधर देख लेते. बाजार तो भाई बाजार होता है लेकिन फिर भी गोवा की फील लेने के लिए बाजार देख लेते हैं कैसा होता है. 300 में पैसे नहीं है, चुरा दो. फर जाना भाई. ये बुरखा ले लिया हमने. भाई मैं रोस्ट करे पे तुलूंगा. मैं रोस्ट करूंगा. तो भाई का लुक कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है भाई. गोवा वाले बीच पे भाई, गोवा वाला. ये भाई तो बहुत खतरनाक ही लग रहा है भाई. तो भाई ये लुक तो देख ही रहे हो. हम दोनों का लुक है. अभी एक और लुक चेंज होने वाला है भाई. यार गोवा में आके लग्जरी चीज देख रहे हैं भाई. माल पिएंगे. सारे के सारे कोर्ट्स पे आ गए भाई. सारे के सारे फुल फन में आ चुके हैं और सारे सारे रंगीन बन चुके हैं. सीन ऐसा है कि सब स्मार्ट लग रहे हैं यहाँ पे. अरे भैया पानी आए वो. ओ भीज को पांच चाहता है भाई. देखियो एक छाते के नीचे छत पे बजाना भाई. चार दिन गाड़ी तक पहुंचते हैं फिर ये सब सामान वगैरह. अपना सामान है ठीक है. सब सामान है भाई अपने पास. अभी जा रहे हैं बीच पे. अपन बीच पे आराम से बैठ के मजे करेंगे मेरी जान. सो गाइस रस्ते का माल सस्ते में उठा के हुए पहन के अपन चल रहे हैं भाई. कहाँ पपीता कितने डरे थे. तू साले डरे का लोट आएगा ले जा. चलिए भाई शीशा लगा दे. थोड़ा पानी वाली आ रहा यार. सुन गूगल बाबा पे उंगली मत उठा दियो. गूगल भौजी है. देख गूगल जालंग वीडियो बनाओ यार. 1.7 किलोमीटर. क्या कह रही हो दीदी? साले तू गोवा वाले बीच पे रानी अखे मीच के ठंडी कोल्ड ड्रिंक पियेंगे. बियर वाले नहीं अपन. सो भाई 150 मीटर भाई. कार बढ़िया चल रहा है भाई. माहौल भी बढ़िया चल रहा है. लेकिन ये ब्लूटूथ है ना भाई, ये नहीं चल रहा भाई कार का ब्लूटूथ. अब कैसे मजा कैसे आया भैया. एक्साइटमेंट बढ़ती हुई लेकिन पार्किंग के लिए जगह नहीं मिल रही है गाइस. पार्क कर लिया है भाई. ₹100 पार्किंग के लिए लगे हैं भाई ने. भाई तो कार पार्क कर दी है अपन ने वहाँ पार्किंग लॉट में. 100 लिए तो भाई चार्ज. क्या कि गोवा का भाई चार्ज थोड़ा ज्यादा है बता रहे थे भैया. यहाँ का ज्यादा ही लगता है. तो अभी सामने सामने सीधे रास्ता देख रहे हो तुम सारे के सारे भाई. ये जाता भाई बीच के लिए. और बीच भाई ऐसा पहली बार होने वाला है कि हम बीच देखने वाले हैं. क्या कर रहे हो बीच पे?
क्या मौसम चेक करो, मौसम तो भाई मौसम चेक करो और सामने पता है बीच है। तुम्हें ना जो आंखों से देखने में फील आएगा ना वो कैमरे में फील नहीं आएगा, क्योंकि कैमरे में ना तुम देखते रहते हो गए कि भाई ये समुंदर है, भाई ये बीचेस वगैरह ये सब देखते रहो, लेकिन जब तुम आंखों से रियलिटी में देखोगे ना अपने, तो भाई तुम लोगों को ओह माय गॉड भाई कहाँ आ गए ये लगेगा। भाई देखने नहीं बनना मेरे को तो देख सामने, आ जाओ मेरी जान आ जाओ भाई, अच्छा वेलकम टू गोवा ब्रो। ये भाई मैं ऐसा लग रहा हूँ हवा में भाई, अरे बाप रे भाई पानी देखो भाई कहाँ तक आ रहा भाई, ला देखते हैं माहौल देख भाई, सर चकरा देने वाला माहौल है भाई। I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Oh, chappal meri. Please look at me. Take your bag in there. Oh, be the greatest, everybody on the fake shit, I look around and feel like everybody is the fakest, I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement, statement, the top is so vacant, I don't hear shit that I think is amazing, waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces, ay, give me that crown, get in my way and to be put down, it ain't your place, all this my town, if I want that shit then I'll get it right now, I'm losing it, the noose it fits, some loose shit, a stupid myth, you choose to live or choose to dip, you choose to fight or lose your grip and lose a gift, oh. गाइस आ चुके हैं हम पर्रा रोड, जो आपने काफी मूवीज में देखा होगा। टाइम बाद ऐसी सिचुएशन बनी है कि आ मेरी जान। तो फाइनली पर्रा रोड पे आ चुके हैं हम लोग, और जो पर्रा रोड का व्यू ना इतने टाइम से सोच रहे थे कि आए आए आए, और आज पर्रा रोड पे फाइनली अल्लाह के नाम से मेरी झील आई है। Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink, cause I think I'm going all in. Get me a shrink, who can catch me when I'm falling. तो पर्रा रोड घूमने के बाद हम गए थे आरंबोल बीच। मिल गई रसियन, रसियन मिल गया भाई। आज यहाँ पर रसियन बीच पर तो एक कुत्तन के अलावा कुछ दिख रहा पर मस्त है भाई, जो भी है मस्त है भाई, सही जगह पे पहुंचे बिल्कुल सही। हमारे सिवा पूरे बीच पे कोई है ही नहीं, ये देख बुला रहा। तो भाई ऐसा गेम खेलते हैं और इन सबसे पूछते हैं कि इनकी लाइफ का टॉप सीक्रेट क्या है, ये किसी को बताएंगे थोड़ी ना कि हम भाई अपनी लाइफ में आगे ये करना चाहते हैं ऐसा करना चाहते हैं, तो किसी ना किसी से पूछते। चलो ठीक है, ट्रुथ ऑर डेयर। तो भाई यहाँ ये बॉटल घुमाओ और बताओ यार। ठीक है भाई, यार गाइस अगर लॉन्डो ने गेम की इधर इधर करो, इंट्रो मैं दे रहा हूँ ना। 3-2-1 इंडियन एरिक। तो भाई तुम लोग क्या बोलना चाहोगे, क्या पूछना चाहोगे, तुम मेजोरिटी में क्या क्या लोग हैं? मेरा तो यही था कि आगे तू अपनी जिंदगी में क्या करना चाहता है, या जिंदगी को कितना सीरियस लेना चाहिए, या तू दोनों का दे सकता है, दोनों का दे, एक का देना चाहता है एक का दे। भाई कुछ ऐसी बात है, देखो जैसी भी बात है पूरी होता। सीक्रेट सीक्रेट बता दूं तुम्हें? हां भाई, बस एक ही ड्रीम रहो है। हाँ। मजा आया। बाकी की फ्यूचर में क्या करना है वो तो भाई अल्लाह और राम दोनों के दोनों जाने भाई। नहीं भाइयों जी, बोतल स्पिन वाइट ट्रिक नहीं है यार, मैंने अच्छा इस भाई ने पूछा है दिल्ली में जो गर्लफ्रेंड है उसका नाम बता। नहीं नहीं भाई, ये चीज तो मैं भी जानना चाहूंगा क्योंकि मैं जानता हूं उसको। हां क्योंकि मैं जानता हूं
भाई देखो मेरी ना गर्लफ्रेंड तो नहीं है दिल्ली में, लेकिन फ्रेंड्स बहुत सारी हैं। क्रश फ्रेंड्स और फ्रेंड्स दोनों हैं बहुत सारे। इधर बेस्ट फ्रेंड तो सारे बेस्ट है भाई, जितने भी है ना मेरे अनमोल रतन सारे। ये तो इसने दिल की बात वैसी बोल दी है। बातें बोली भाई। गाइस मेरे पे आ गई अब तो। जावेद है तो जावेद भाई, जावेद भाई के बहुत अच्छे सब्सक्राइबर है पता है तुम्हें। थोड़ा पास लेके आओ। चलो जावेद भाई के ना बहुत अच्छे सब्सक्राइबर है, मतलब हमारे जो जो हमारे मतलब जो टॉप लेवल के यूट्यूबर्स थे ना हमारे इलाके में, उनमें ना जावेद भाई का नाम आता था। लेकिन पता है उन्होंने ना भाई चैनल बंद कर दिया, मतलब थोड़ा सा कम कर दिया या फिर बंद वीडियोस बनाने बंद कर दिए। लेकिन मैं पूछना चाहूँ भाई तुम कब से फिर से स्टार्टअप एकदम कमबैक जो होता है ना बाउंस बैक कमबैक वो कब से कर रहे हो भाई चैनल के लिए? देखो कमबैक क्या होता है, अब जैसे आप चाहते हो कि कमबैक हो किसी का तो कमबैक कैसे हो जाएगा भाई? वो इंसान उसमें ही प्रेजेंट है जो ये टाइम चल रहा है बड़ा करना है। ये सीन है। स्किप चलो चलो घुमाओ। अरे पूछना भाई चीटिंग क्यों कर रहे हो? एक में दो दो क्यों जोड़ रहे हो? भाई एरिक जे जनरल है भाई, मैं और लास्ट रहे हुआ था। एरिक मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि मतलब आप कितने भी मुकाम पे पहुंच जाए, लाइक तुम एक फैन फेस्ट में जाके इज्जत से नाम लिया जा रहा है तुम्हारा कि इंडियन हैकर, इंडियन एरिक जो अगर साउंड करता ना ब्रो, इसलिए ऐसा कोई सीन नहीं है कि वो है, तो ऐसा बन जाए तो उस जगह पे तेरे वो लोग खड़े होंगे क्या जो आज खड़े थे या खड़े पहले थे या अब खड़े हैं? देखो भाई मैं ना मेरी एक पर्सनैलिटी है मतलब मेरे अंदर में कि मैं ना ग्राउंड लेवल से जुड़ा हूँ। मैंने ना सारी चीजें किया करी है। मैं ऐसा ना कि मेरे को एक दिन तो अगर सक्सेस मिलेगी तो मैं सब कुछ भूल जाऊंगा। मेरे अंदर ना ऐसा ईगो ना थी। मैं ना सबको एकदम साथ लेके चलो चाहता हूँ और वही मैं करूंगा और यही मेरा एम है कि सबके साथ लेके चलूंगा। तो मैं ऐसे ना है कि एक भी अगर किसी ने भी मदद करी होगी या किसी भी को मैं जानता हूँ जिसने मेरी हेल्प करी हो मेरे साथ हो उसको मैं साथ में आगे लेके जाऊंगा, ये मेरा एम रहता है। मतलब ये मेरा ईगो है। बहुत सारे करीबी हैं क्योंकि ग्रुप तो बहुत पहले से था, सारे अलग हो गए, लेकिन जो अभी है ना मेरे पास जो करीबी है भाई उनमें से एक है भाई अविनाश महाराज जी। और दूसरे जो हैं हमारे जो करीबी कह सकते हैं, चिल्लर पार्टी कह सकते हैं आप, जब जो होता है ना फ्रेंड सर्कल तगड़ा वाला जो सपोर्टिव होते हैं काफ़ी सारे और जो हर एक चीज़ में साथ में रहते हैं ठीक है। तो उनमें से भाई रेवल का नाम भी आता है। बहुत बढ़िया सच में भाई। भाई ये बंदा ऐसा है कि भाई जब से मिला ना मुझे लाइक टेंथ क्लास में मिले थे हम पता है, दसवीं क्लास में जब ये भाई लड़कियों वाला बैग लेके आता था साइंस कोचिंग का। ये चीटिंग है यार, इतना पर्सनल नहीं जाना था भाई। मैं बता रहा हूँ साइंस कोचिंग में भाई हम साथ में पढ़ते थे भाई, ये आता था बंदा भाई, उधर ही दोस्ती हुई थी इधर जब मैं अपनी रेसिंग बाइक साइकिल से आता था भाई और साइंस कोचिंग पे थे हम सारे और तब हमारी मुलाकात हुई थी। उस टाइम से ना भाई अब तक कम से कम ना चार पांच कितने हो गए भाई, 5 साल हो चुके हैं जब से भाई इतनी बॉन्ड इतनी कड़क बॉन्ड है ना भाई, मतलब इतने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है कि कहीं भी मिल जाते हैं। हमारी तो 3 महीने में बन जाएगी ठीक है। तो भाई क्वेश्चन होने वाला है फनी अभी भाई से, भाई जिंदगी में कितनी शादियां करोगे? ओ व्हाट द फक ब्रो, बोल भाई जल्दी बोल, फुलतीम है फुलतीम बोल भाई। एक भी नहीं एक भी नहीं, ये बंदा बोल रहा है एक भी शादी नहीं करना है। ट्रू आंसर चाहिए भाई। नहीं भाई वो तो जाने बहुत असली क्वेश्चन पूछो तो। सबसे बेस्ट मोमेंट बता कब हुआ है भाई? मेरी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल इंसानों की तरह नहीं थी भाई। पहली बात तो ये जिसको चाहता है वो अपना कर लेते, ये बात तो इसको भी अच्छे से पता है भाई, दिखा दे शकल, झूठ बोल दे तो भाई। और भाई वो देख झूठ बोल रहा हूँ क्या भाई? भाई सही बोल रहा है। तो भाई सीन ऐसा था कि अपनी लाइफ का टर्निंग पॉइंट कहाँ से बदला कि एक लड़की थी ये, मतलब नाम लेना नहीं चाहूंगा मैं उसका, जैसे किसी का योगदान होता है तो मैं बोलता हूँ कि उससे टर्निंग पॉइंट लगा बस। भाई आपको स्ट्रगल तो भाई कॉमेडी से होया। एक स्टोरी एक सवाल है मेरा, एक ही पूछूंगा बस मैं जो बता रहे हैं कि करण अर्जुन का कटोरी बिल्लियां फिकी में कौन ने भी नहीं। मेरा भी एक सवाल है, बोल बोल जो आप गाड़ियों के पीछे भागते हो तो क्यों भागते हो? क्यों भागते हो भाई? भाई मैं पूछूंगा ये बताओ
और जिनकी लाज क्या मस्त है यार, कहता हूँ भाई चाय का मजा कुछ हो रहा है। कोई चाय बना भाई, चाय मेरी चाय है, ये मेरी चाय है। भैया यार दादा जाए चाय, जाके चाय बड़ी भाई है। तो भैया देखो गोवा की चाय, गोवा के नाम से तो मैं बस भाई बियर और ये सब, ये कॉकटेल मॉकटेल पार्टी वगैरह सोडा दही ये सब आता होगा, लेकिन तुम ना एक बार गोवा की ना चाय जरूर टेस्ट करके देखना भाई। चाय भी सेक्स ज्यादा शानदार है, चाय सेक्सी कैसे भाई, चाय हॉट है। तो भाई ये था हमारे गोवा का पहला दिन, और इसके बाद भी काफी दिन आने वाले हैं, तो आप वेट करना ब्लॉग का। मिलते हैं अगले वीडियो में।